I told you that propagandist films I am against, and that is not true. Lies which will divide people, that is a genre I am dead against, because that's propaganda. साउथ सुपरस्टार कमल हसन ने फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक्टर ने फिल्म को आधा सच और आधा फेक प्रोपेगेंडा बताया है, जिसके बाद से ही कमल हसन का यह बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियों का विषय बना हुआ है। अब द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने सुपरस्टार कमल हसन को करारा जवाब दिया है। डायरेक्टर ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने वाले बयान पर रिएक्ट किया है। सुदीप्तो सेन ने साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए कहा, फिल्म के खिलाफ कुछ भी बयान देने से पहले लोगों को इसे देख लेनी चाहिए, जिसके बाद उन्हें सच्चाई का खुद पता चल जाएगी। बॉलीवुड और साउथ एक्टर कमल हसन ने द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर कहा, मैं प्रोपेगेंडा के खिलाफ हूँ। लोगों के लिए फिल्म के नीचे बस रियल कहानी लिख देने से कुछ नहीं हो जाता, उस कहानी में कुछ सच भी होना चाहिए। वहीं अगर बात इस फिल्म की हो तो मुझे इसमें कुछ भी सच्चाई नजर नहीं आती। कमल हसन के इस बयान पर रिएक्ट करते हुए फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा, मैं इस तरह के बयानों पर रिएक्ट करना पसंद नहीं करता। पहले मैं समझने की कोशिश करता था, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि जो लोग इसे देखने के बाद इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कहते हैं, ये उनकी अपनी राय है। लेकिन जो लोग इस फिल्म को बिना देखे हुए इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं, वो गलत है। बता दें, द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। फिल्म की कमाई 200 करोड़ के पार पहुंच गई है, जिसके साथ ही एक्ट्रेस आदा शर्मा की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ हो रही है। द केरला स्टोरी फिल्म को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बैन कर दिया गया था। सोवेल कमल हसन की बातों पे आपका क्या रिएक्शन, नीचे कमेंट में बताइए। और भी ज्यादा अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।